हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोग क्या बात कर रहे थे? सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहे थे। सेकेंडरी ग्रोथ में बताया था मैं कि एक्चुअली में सेकेंडरी ग्रोथ किसके द्वारा किया जाता है। तो बोल लीजिएगा सर, सेकेंडरी ग्रोथ लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा किया जाता है। लेकिन सर, आप एक बात तो बताएं, सेकेंडरी ग्रोथ एक्चुअली में होता क्या है ना? तो मैं सेकेंडरी ग्रोथ पे एक बार चर्चा कर लेता हूँ कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है। जैसे अगर आप बोल लीजिएगा कि आप लोग को प्लांट देखने को मिल रहा है, ये हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा था, ठीक है? ये प्लांट देखने को मिल रहा है, प्लांट का स्टेम पोर्शन बोल लीजिएगा, जो जैसे भी आप समझ लीजिए, ये प्लांट का स्टेम पोर्शन, ये सबसे अपर पार्ट हो गया, ये सबसे लोअर पार्ट हो गया, ठीक है? अगर इस प्लांट की बात कर लूं, यहां पे हाइट इस प्लांट का बढ़ रहा है, इस प्लांट का क्या बढ़ रहा है? हाइट बढ़ रहा है, ठीक है? अगर मैं इस प्लांट के हाइट की बात कर लूं, इस प्लांट का हाइट बढ़ रहा है, तो आप इसको क्या बोलिएगा? इस प्लांट का अगर हाइट बढ़ रहा है तो आप इसको बोल लीजिएगा प्राइमरी ग्रोथ। इस प्लांट का हाइट बढ़ रहा था, देखिए ना क्या बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, तो आप इसका नाम क्या दीजिएगा? इसका नाम दीजिएगा प्राइमरी ग्रोथ। डन, ये हो गया आपका, प्राइमरी ग्रोथ की बात हो गई। लेकिन अगर मैं इसी प्लांट का थिकनेस बढ़ाना शुरू कर लूं, ये आप बोल लीजिएगा इस प्लांट का थिकनेस बढ़ना शुरू हो गया, इधर से ये बढ़ रहा है, इधर से ये बढ़ रहा है, ठीक है? अगर इस प्लांट का थिकनेस बढ़ना शुरू हो गया, थिकनेस बोल लीजिए, है ना, थिकनेस बोल लीजिए, या क्या बोल लीजिएगा? गर्थ बोल लीजिएगा, थिकनेस बोल लीजिएगा, या क्या बोलिएगा? गर्थ बोलिएगा, है ना? तो आप इसका नाम क्या दीजिएगा? इसका नाम दीजिएगा सेकेंडरी ग्रोथ, है ना? इसको बोल दीजिएगा सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है? अच्छा, अगर मैं यही बोलूं कि इसका हाइट बढ़ रहा है, हाइट में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट, तो आप इसका नाम क्या दीजिएगा? क्या दीजिएगा? इसको बोल लीजिएगा प्राइमरी ग्रोथ, है ना? इसको क्या बोल लीजिएगा? प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? मैं समझता हूं नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि सेकेंडरी ग्रोथ होगा किसकी वजह से, तो आप क्या बताएंगे? सेकेंडरी ग्रोथ होगा किसकी वजह से? तो दो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है जो सेकेंडरी ग्रोथ काउज करता है, कौन कौन सा है? तो पहला बोल लीजिएगा एपिकल मेरिस्टेम, कौन सा है? एपिकल मेरिस्टेम। और दूसरा क्या बोल लीजिएगा, है ना? दूसरा आप बोल ले सकते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम, कौन सा? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। डन, ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम की बात हो गई, ठीक है? अगले पॉइंट पे आता हूं, सुनिएगा। अगर हाइट में इंक्रीज ना हो कि गर्थ में इंक्रीज हो रहा है, थिकनेस में इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोल दिए क्या? सेकेंडरी ग्रोथ। अच्छा, मैं उल्टा लिख दिया क्या? कोई बात नहीं है, इसको आप बोल लीजिएगा यहाँ पे, अगर ये हो रहा था प्राइमरी ग्रोथ हो रहा था, तो आप इसका नाम क्या दीजिएगा? इसका प्राइमरी ग्रोथ का नाम दे दीजिएगा आप, कि प्राइमरी ग्रोथ किसकी वजह से चल रहा था? प्राइमरी ग्रोथ चल रहा था एपिकल मेरिस्टेम से, है ना? एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और अगर मैं यही बोल लूं कि सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से हो रहा था, तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या बोल लीजिएगा? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, है ना? सेकेंडरी ग्रोथ जो हो रहा था किसकी वजह से हो रहा था? लेटरल मेरिस्टेम, है ना? लेटरल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम। डन, तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर, ये लेटरल मेरिस्टेम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ का, सेकेंडरी ग्रोथ काउज करवाता है, या सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ भी काउज करवाता है? तो बोलिएगा कि सर, ये जो सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम है ना, वो सॉरी, लेटरल मेरिस्टेम जो है ना, वो आपको सेकेंडरी ग्रोथ भी काउज करवा सकता है, या प्राइमरी ग्रोथ भी काउज करवा सकता है। दो तरह का लेटरल मेरिस्टेम, इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम और इंटर फैसिकुलर कैम्बियम, बताए थे ना? इंट्रा आपस में, मतलब जाइलम और फ्लोएम, ये जाइलम है, यहां पे फ्लोएम है, यहां पे मेरिस्टमेटिक, यहां पे आप बोल लीजिएगा कैम्बियम है, वैस्कुलर कैम्बियम है, तो इसको क्या नाम दिए? इंट्रा वैस्कुलर, सॉरी, इंट्रा वैस्कुलर कैम्बियम। अच्छा, और सुनिएगा, अगला है ये जाइलम फ्लोएम पहला, दूसरा जाइलम फ्लोएम, यहां पे जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू है, इसको क्या बोल दिए? इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। डायग्राम देखिए, बताइए तो समझ में ज्यादा आएगा। देखिए ना बच्चे, ये आपको मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे आ जाइए, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको यहाँ पे इस तरह का टिश्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है? ये पूरा का पूरा सेक्शन है। अब यहाँ पे मैं ले लूं, तो ये आपको देखने को मिल रहा था वैस्कुलर कैम्बियम पहला, वैस्कुलर, ये आपको देखने को मिल रहा था
वैस्कुलर बंडल, पूरा का पूरा जाइलम फ्लोएम का पैचेस एक साथ देखने को मिल रहा था, पूरा का पूरा जाइलम फ्लोएम का पैचेस इस एक साथ देखने को मिल रहा था, पूरा का पूरा पूरा जाइलम फ्लोएम का पैचेस यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल रहा था। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम में आपको इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। यहाँ तक कोई दिक्कत मैं समझता हूँ नहीं है। अच्छा, अब ये बाहर की ओर कौन सा स्ट्रक्चर है तो क्या बोलेगा, फ्लोएम। बाहर की ओर कौन सा स्ट्रक्चर है, फ्लोएम है, है ना। और अंदर की ओर मैं बोलूं कौन सा स्ट्रक्चर है तो क्या बोल लीजिएगा, अंदर की ओर स्ट्रक्चर है जाइलम। कौन सा स्ट्रक्चर है, जाइलम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जो टिश्यू है ना, इसका नाम क्या दिए, इसका नाम दिए इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या नाम दिए, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा टर्म यूज कर रहा हूं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, है ना, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम नाम देते हैं इसका हम लोग। अच्छा, वापस बात को सुनिएगा। अब यहां पे कुछ मेरिस्टमेटिक टिश्यू रहता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के पास में मेडुलरी सेल में जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है इसका नाम क्या दीजिएगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या नाम दीजिएगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। कल पिछले लेक्चर में भी मैं आपको बताया था, है ना, कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है, इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है, ये मैं आपको कल बताया था। अगर मैं बोल रहा हूं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की बात कर रहा हूं तो इसकी वजह से ग्रोथ कैसा होगा, तो बोल लीजिएगा सर इसकी वजह से ग्रोथ कैसा होगा, तो प्राइमरी। कैसा ग्रोथ होगा, तो बोल लीजिएगा इसकी वजह से प्राइमरी ग्रोथ होगा। कैसा होगा, प्राइमरी ग्रोथ। और अगर मैं इसकी वजह से बात कर लूं तो कैसा ग्रोथ होगा, तो बोल लीजिएगा सेकेंडरी ग्रोथ। कैसा होगा, सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। डन, आता हूं लेके अगले पॉइंट पे कि एक्चुअली में सेकेंडरी ग्रोथ कुतक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो आपको बताया थे कि वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगा, ये सारा पॉइंट मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। आज के लेक्चर में बात करेंगे कि बच्चे कॉर्क कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है और क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम बनता क्यों है और कहां पे होता है, ये सारी बातें करेंगे, है ना। अच्छा, अब देखिएगा अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो आप इस रूप में समझ सकते हैं। जैसे यहां पे एक डायग्राम मैं बनाने की कोशिश करूं तो देखिएगा सीन क्या देखने को मिल रहा है। ये सबसे बाहर की ओर मैं जो डायग्राम बना रहा हूं इसको आप क्या बोल लीजिएगा, एपिडर्मल लेयर। कौन सा लेयर, एपिडर्मल लेयर। उसके नीचे में एक और लेयर मैं बनाऊं तो इसको आप क्या बोल लीजिएगा, हाइपोडर्मल लेयर। कौन सा लेयर बोलेंगे, हाइपोडर्मल लेयर। इसके नीचे में एक और लेयर बनाऊं तो आप क्या बोल लीजिएगा, ये आपका हो गया जनरल कॉर्टेक्स। इसके नीचे में एक और लेयर बनाऊं तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, इसको बोल लीजिएगा आप इंडोडर्मल लेयर। और इंडोडर्मल लेयर के अंदर में कौन सा लेयर आ जाएगा, पेरिसाइकल। कौन सा लेयर आ जाएगा, पेरिसाइकल वाला लेयर आ जाएगा। डन, और पेरिसाइकल के अंदर में आपको देखने को मिलेगा क्या, वैस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको वैस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा। डन, ये आपको वैस्कुलर बंडल, यहाँ पे आपको इस तरह से वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। ये वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट। तो अगर मैं इसी पॉइंट को और दिखाने की कोशिश करूं, थोड़ा सा मैं इसको सीधा कर देता हूँ, थोड़ा डायग्राम ये गड़बड़ सा दिख रहा है, मैं बस इसको सीधा कर दे रहा हूं। तो बोल लीजिएगा कि यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको कैम्बियम, ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था, है ना, ये बाउंड्री के रूप में स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। तब भी डायग्राम सीधा नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, अब बस स्ट्रक्चर को समझ लीजिएगा, ठीक है। डन, सबसे बाहर की ओर जो स्ट्रक्चर आया इसको क्या बोल दिए, एपिडर्मिस। क्या बोले, एपिडर्मिस वाला लेयर बोल दिए। डन, अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, इसके अंदर वाला जो लेयर आया इसको क्या बोल लीजिएगा, हाइपोडर्मिस। क्या बोल लीजिएगा, हाइपोडर्मिस, है ना, हाइपोडर्मिस बोल लीजिएगा। इसके अंदर में आ जाइएगा तो कौन सा लेयर देखने को मिल रहा है, बोल लीजिएगा जनरल कॉर्टेक्स। इसको बोल लीजिएगा जनरल कॉर्टेक्स, इसको जनरल कॉर्टेक्स बोल दिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा, इसके अंदर में लेयर तो कौन सा, बोल लीजिएगा इंडोडर्मिस। क्या बोल लीजिएगा, इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस बोल दिए। अच्छा, इसके और अंदर में आइएगा तो कौन सा लेयर देखने को मिलेगा, पेरिसाइकल। कौन सा, पेरिसाइकल, है ना, ये आपको पेरिसाइकल देखने को मिल रहा था। अच्छा, अब सुनिएगा, इस पेरिसाइकल के बाहर में जितने भी पार्ट है ना सबको मिला के क्या बोल देते हैं, स्टील। क्या बोल देते हैं, स्टील, या स्टीलर रीजन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्टीलर रीजन। तो कॉर्क कैम्बियम की वजह से ग्रोथ कहां पे होगा, तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। क्या बोल देते हैं,
अच्छा स्टीलर रीजन, स्टील ना बोल के इसको एक्स्ट्रा स्टीलर बोल लीजिएगा, क्या बोलिएगा, एक्स्ट्रा स्टीलर, सॉरी, पेरिसाइकल के अंदर जो भी पार्ट बच गया उसको बोल लीजिएगा इंट्रा स्टीलर या स्टीलर रीजन, और बोल लीजिएगा एंडोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, सबको मिला के एक साथ क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा स्टीलर, नॉट द स्टीलर, मैं भूल गया था स्टीलर, लेकिन इसको क्या बोल लीजिएगा, एक्स्ट्रा स्टीलर, डन। तो कोर कैम्बियम की वजह से ग्रोथ किसमें होगा, स्टीलर रीजन में या एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में, और वैस्कुलर कैम्बियम, देखिए ना यहां पे कौन सा कैम्बियम रहेगा, वैस्कुलर कैम्बियम, तो वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से ग्रोथ कहां पे होगा, इंट्रास्टीलर रीजन में, कहां पे, इंट्रास्टीलर रीजन में। आइए अगले पॉइंट पे जाते हैं। सो सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन एक्स्ट्रास्टीलर रीजन ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कोर कैम्बियम। समझा चुका हूं कि अगर पेरिसाइकल के बाहर ग्रोथ हो रहा है तो एक्स्ट्रास्टीलर, और पेरिसाइकल के अंदर ग्रोथ हो रहा है तो क्या बोलिएगा, इंट्रास्टीलर या स्टीलर रीजन। तो ये कोर कैम्बियम का ग्रोथ, कोर कैम्बियम की वजह से ग्रोथ कहां पे होता है, तो बोल लीजिएगा एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। अच्छा, कोर कैम्बियम इज आल्सो नोन एज, कोर कैम्बियम का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम या इंट्रा स्टीलर कैम्बियम, बोलना पड़ेगा एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम। देखिए ना इसका नाम लिख दे रहा हूं, एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम, देन क्योंकि एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में है इसलिए एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम। अच्छा, इसका दूसरा नाम याद रखना आपको, क्या बोल देते हैं, फेलोजेन, क्या नाम देते हैं, फेलोजेन, कोर कैम्बियम इज आल्सो नोन एज व्हाट, फेलोजेन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब कोर कैम्बियम का डेवलपमेंट एक्चुअली कहां पे होता है, इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। कोर कैम्बियम डेवलप होता है कॉर्टिकल रीजन में, कॉर्टेक्स था कहां पे, तो बोलेंगे सर एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच का जो पार्ट था ना, सबको मिला के बोल दिए थे क्या, कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल रीजन बोले थे। तो अगर मैं यहां पे डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो सबसे बाहर में आपको एपिडर्मल लेयर देखने को मिल रहा था, इसके नीचे में हाइपोडर्मल लेयर देखने को मिल रहा था, इसके अंदर में आपको एंडोडर्मल लेयर देखने, जनरल कॉर्टेक्स देखने को मिल रहा था, और इसके अंदर में एंडोडर्मल लेयर देखने को मिल रहा था। तो एंडोडर्मिस से लेके ये आपका हाइपोडर्मिस तक का पार्ट तीनों को मिला के क्या बोल दिए, कॉर्टेक्स बोल दिए, क्या बोल दिए, कॉर्टेक्स बोल दिए। अच्छा, अब सुनिएगा, ये हाइपोडर्मल रीजन में अंदर की ओर आते हैं, हाइपोडर्मिस के अंदर की ओर आते हैं। अगर हाइपोडर्मिस के अंदर की ओर मैं रेड कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला रीजन पे आ जाएगा, यहां पे ये वाला जो रीजन है, तो ये आपका कौन से रीजन में है, जनरल कॉर्टेक्स की ओर है क्या, हाइपोडर्मिस का अंदर वाला पार्ट जो है, जो जनरल कॉर्टेक्स की ओर है, उसका फंक्शन एक बार खत्म हो जाता है। पहले मेरिस्टमैटिक टिश्यू से फंक्शन फिक्स हुआ तो टर्न दिए डिफरेंशिएशन, अब मेरिस्टमैटिक टिश्यू का फंक्शन फिर से खत्म हो जाएगा, सॉरी परमानेंट टिश्यू, पहले मेरिस्टमैटिक टिश्यू से फंक्शन फिक्स हुआ तो क्या बना, परमानेंट टिश्यू, टर्म क्या दिए, डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटेड टिश्यू जिसको परमानेंट टिश्यू बोल रहे थे, उसका फंक्शन फिर से खत्म हो जाएगा, क्या बोल लीजिएगा, डी डिफरेंशिएशन, क्या बोलिएगा, डी डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब फंक्शन फिर से खत्म हुआ तो किसका फॉर्मेशन करेगा, मेरिस्टमैटिक टिश्यू का ना, तो ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू बनता है, लेकिन अब पहली बार नहीं बन रहा है, दूसरी बार बन रहा है मेरिस्टमैटिक टिश्यू, तो इसलिए इसका नाम क्या दीजिएगा, सेकेंडरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू। अगर मान लीजिए इसका फंक्शन फिर से दोबारा फिक्स हो जाए, इसके लिए टर्म क्या यूज कीजिएगा, रीडिफरेंशिएशन, और इसका नाम क्या दीजिएगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, क्या नाम दीजिएगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सो सुनिए, कोर कैम्बियम डेवलप यूजुअली इन द कॉर्टिकल रीजन बाय द हाइपोडर्मिस बाय डी डिफरेंशिएशन। तो हाइपोडर्मल सेल जो था वो डी डिफरेंशिएट होता है, और डी डिफरेंशिएट होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, तो ये कोर कैम्बियम का फॉर्मेशन करेगा। अब क्यों होता है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो वैस्कुलर बंडल का सेल था, यहां पे फिर से देखिएगा, ये वैस्कुलर बंडल के सेल की बात कर लेता हूं, है ना, ये आपको आपको इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था, ये आपका था क्या, एपिडर्मल वाला लेयर, और ये मैं लेके चल रहा हूं आपका वैस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा था, वैस्कुलर बंडल में कोर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम देखने को मिल रहा था, यहाँ पे आपका ये आपका वैस्कुलर बंडल का सेल देखने को मिल रहा था, ये आपका वैस्कुलर बंडल का सेल देखने को मिल रहा, सुनिएगा समझिएगा, ये वैस्कुलर बंडल का सेल। अब ये वैस्कुलर कैम्बियम के एक्टिविटी की वजह से
लगातार ये थिकनेस बढ़ता जा रहा है, क्या ये थिकनेस लगातार बढ़ता जा रहा है, आउटर साइड की ओर फोर्स बढ़ता जा रहा है ये। अब देखिएगा लगातार बढ़ने की वजह से इसमें ग्रोथ, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम के बढ़ने की वजह से अल्टीमेटली ये किसको फोर्स करेगा, तो बोल लीजिएगा एपिडर्मिस को फोर्स करेगा या बोल लीजिएगा कॉर्टेक्स को फोर्स करेगा, है ना, एपिडर्मिस को फोर्स करेगा और कॉर्टेक्स को फोर्स करेगा। अब एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स को फोर्स करने की वजह से इसमें रप्चर हो जाएगा, तो रप्चर हो जाएगा तो प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिव लेयर खत्म हो गया ना, अब तो तुरंत ही क्या करना पड़ेगा, नया प्रोटेक्टिव लेयर बनाना पड़ेगा। अब ये नया प्रोटेक्टिव लेयर बनाया किसके द्वारा जाता है, वही हाइपोडर्मस हाइपोडर्मिस वाला जो लेयर है ना, उसका सेल जो कॉर्टेक्स की ओर होता है वही अपना फंक्शन खत्म कर दिया, डिडिफ्रेंशिएट हो गया, किसका फॉर्मेशन कर लिया, तो कॉर्क कैम्बियम का, किसका, कॉर्क कैम्बियम का। अब इसी स्टेटमेंट को सुनाता हूं और रीड करके दिखाता हूं। As the stem continues to increase in girth due to the activity of vascular cambium, vascular cambium के activity की वजह से girth बढ़ता चला जा रहा था क्या, thickness बढ़ता चला जा रहा था क्या, अब thickness के बढ़ने की वजह से है ना outer cortical that means hypodermis वाला layer और epidermis वाला layer टूट जाता है, get broken and need to be replaced to provide new protective layer, और तुरंत हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नया लेयर बनाना पड़ेगा भाई, हम लोग को नहीं प्लांट को बनाना पड़ेगा, तो नया लेयर बनाना पड़ेगा। अब क्या होगा, सुनर और लेटर अनदर मेरिस्टमेटिक टिश्यू कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम और फिलोजेन फॉर्म, अब तुरंत ही उसी हाइपोडर्मिस के लेयर से, उसी हाइपोडर्मिस के सेल से नए मेरिस्टमेटिक टिश्यू बन जाते हैं और इसी मेरिस्टमेटिक टिश्यू का नाम क्या देते हैं, कॉर्क कैम्बियम नाम देते हैं या एक्स्ट्रास्टेलर कैम्बियम नाम दे देंगे या इसका नाम क्या दीजिएगा, फेलोजेन नाम दे दीजिएगा। अब सुनिएगा, अब इस फेलोजेन की वजह से देखिएगा, इस फेलोजेन का ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगा, फेलोजेन की वजह से या कॉर्क कैम्बियम की वजह से। कॉर्क कैम्बियम डिवाइड इजोली पेरिक्लाइनली टू फॉर्म सम सेल टुवर्ड्स आउटसाइड एंड सम सेल टुवर्ड्स इनसाइड। देखिएगा अगर मैं ये फेलोजेन का लेयर की बात कर रहा हूं, ये फेलोजेन का सेल्स देखने को मिल रहा है पूरा का पूरा। अब इस तरह से इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, तो एक सेल जो कहां की ओर बना, आउटसाइड की ओर, ये वाला सेल जो कहां की ओर बना, इनसाइड की ओर। मैं इसको दिखाऊं तो यहां पे कुछ इस तरह से आपको फेलोजेन का लेयर देखने को मिल रहा था, ये फेलोजेन का सेल्स पूरा पूरा देखने को मिल रहा था, मतलब कहने का मतलब हाइपोडर्मिस वाला लेयर था। अब इसमें अगर मैं इस तरह से डिवीजन करूं तो यहाँ पे कुछ एक अंदर की ओर सेल बनेगा क्या और दूसरा सेल यहाँ पे बाहर की ओर बनेगा क्या, इस तरह से कुछ बाहर की ओर सेल बनेगा, उसी सेल को मैं यहां दिखा रहा हूं। ये जो आउटसाइड की ओर बनेगा ना, आउटर साइड, इसको लिख रहा हूं आउटर साइड और इसको क्या बोल लीजिएगा, इनर साइड, क्या बोलिएगा, इनर साइड। अच्छा अब सुनिएगा, आउटसाइड की ओर जो सेल बना ना, इस सेल पे सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाएगा, किसका डिपोजिशन, सुबेरिन का, और सुबेरिन के डिपोजिशन की वजह से सेल लिविंग या डेड, क्या हो जाएगा, डेड, क्या हो जाएगा, डेड। अब इसी का दूसरा नाम क्या देते हैं, फेलेम नाम देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, फेलेम। तो ये फेलोजेन था, क्या था, ये फेलोजेन है ना, फेलोजेन था। अब फेलोजेन के डिवीजन की वजह से आउटर साइड में जो सेल बना, इस पे सुबेरिन का डिपोजिशन था, इसको नाम क्या दिए, फेलेम नाम दिए, क्या नाम दिए, फेलेम नाम दे दिए, ठीक है। अच्छा अगले पॉइंट पे आइएगा, अब जो सेल अंदर की ओर बनेगा इसका नाम देते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म, क्या नाम दीजिएगा, फेलोडर्म। देखिएगा दो सेल विच आर फॉर्म टुवर्ड द इनसाइड डिफरेंशिएट इनटू पैरेन्काइमा एंड मे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, दीज आर नोन एज सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म, क्या बोल देंगे, जो अंदर की ओर जो सेल बना था ना, इसको क्या बोल दिए, फेलोडर्म, फेलोडर्म। अच्छा अब सुनिएगा, फेलोडर्म हो गया, अब सुनिएगा, फेलेम, फेलोजेन और फेलोडर्म तीनों को मिला के एक साथ क्या बोल दिए, पेरीडर्म, क्या बोल दिए, पेरीडर्म। फिर से फेलेम, फेलोजेन और फेलोडर्म तीनों को मिला के एक साथ क्या बोल लीजिएगा, पेरीडर्म। सिंपल सी बातें हुई, लेयर लगातार बढ़ता जा रहा है क्या, थिकनेस बढ़ता जाएगा क्या, इसी को आप क्या बोल लीजिएगा, सेकेंडरी ग्रोथ।
हेलोजेन था, डिवाइड किया, एक सेल बाहर की ओर दूसरा अंदर की ओर, जो बाहर की ओर बना उस पर सुगरिन का डिपोजिशन, नाम क्या दे दिए, इसका नाम दिए फिलेम, और जो अंदर की ओर बना उसको क्या बोल दिए, इसको बोल दिए फिलोडर्मिया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, डन। अच्छा ये जो फिलेम होगा ये कैसा होगा, लिविंग या डेड? सर ये तो डिपोजिशन था सुवेरिन का, तो इसको डेड बोल दिए, और इसी का दूसरा नाम भी आप क्या बोल सकते हैं, नाम दे सकते हैं इसका फिलेम, डन। अगले पॉइंट पे जाता हूं, द कॉर्क इज इंपरवियस टू वॉटर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुवेरिन इन देयर सिल्वर। अच्छा अब ये जो फिलेम बना था ना, इसी फिलेम का नाम क्या देते हैं, दूसरा कॉर्क भी बोल देते हैं। तो कॉर्क वाला जो सेल था वो कैसा है, लिविंग या डेड, क्या बोल लीजिएगा, डेड बोल लीजिएगा। ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ड अप ऑन द रिमेनिंग लेयर पेरिफेरल टू द फेलोजेन एंड अल्टीमेटली दिस लेयर डाई एंड स्लग ऑफ। सुनिएगा अब वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी को तो छोड़ दीजिए, कॉर्क कैम्बियम भी लगातार डिवाइड करने लग जा रहा था, तो अंदर की ओर क्या बना था, ये फेलोजेन था, फेलोजेन के बाहर क्या बना था, तो बोल लीजिएगा फिलेम बना था। तो ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ड अप ऑन द रिमेनिंग लेयर पेरिफेरल टू द फेलोजेन, फेलोजेन के बाहर में जितने भी लेयर थे सब पे एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है क्या, और प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से जितने भी इसके बाहर सेल होंगे सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, और सेल को क्या कर दिया जाएगा, कट ऑफ कर दिया जाएगा, बाहर की ओर निकाल दिया जाएगा। द रिंग ऑफ कॉर्क कैम्बियम रिमेनिंग रिमेन्स लिविंग एंड एक्टिव ओनली फॉर वन ईयर। अब ये जो कॉर्क कैम्बियम का जो रिंग बना है ना, मात्र एक साल के लिए एक्टिव रहेगा, हर साल एक नए रिंग का फॉर्मेशन होगा। इच ईयर अ न्यू कॉर्क कैम्बियम इज फॉर्म्ड बिलो द प्रीवियस कैम्बियम, उस कैम्बियम के जस्ट नीचे में एक नया कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा। दिस न्यू कैम्बियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फिलोडर्म। ये जो नया कैम्बियम बनता है वो किससे बनता है, तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स से बनता है, उसी सेकेंडरी कॉर्टेक्स का नाम क्या दिए थे, फेलोडर्म बोलेंगे। तो पहली बार बना था तो हाइपोडर्मिस से बना था, अब अगली बार बनेगा तो किससे बनेगा, फेलोडर्म से बन रहा होगा। ऑल द टिश्यू विच अकर्स आउटसाइड द इनर मोस्ट कॉर्क कैम्बियम इज कलेक्टिवली टर्म्ड एज राइटिडो। सुनिएगा, जो कॉर्क कैम्बियम के बाहर जितने भी टिश्यू है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो डेड है, सबको मिला के एक साथ क्या नाम देते हैं, राइटिडो नाम दे देते हैं। अगले पॉइंट पे आइए, अगला टर्म आता है हमारे पास क्या, लेंटिसेल। लेंटिसेल की बात करते हैं, लेंटिसेल क्या होता है, एट सर्टेन रीजन द फेलोजेन कट ऑफ, कट ऑफ करने का मतलब फॉर्म, कट ऑफ क्लोजली अरेंज पेरेंकाइमेटस सेल आउटर साइड इंस्टीड ऑफ ऑक्सिल। सुनिएगा, एट सर्टेन रीजन, कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही फेलोजेन, जिसको कॉर्क कैम्बियम बोल रहे थे, नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं, ये पेरेंकाइमेटस सेल होते हैं, और किसके बाहर, तो बोल लीजिएगा ये आपको आउटसाइड पेरेंकाइमेटस सेल ऑन द आउटर साइड, आउटर साइड की ओर पेरेंकाइमेटस सेल का फॉर्मेशन करता है इंस्टीड ऑफ कॉर्क सेल, कॉर्क सेल को छोड़ के। These thin walled, round, colorless parenchymatous cell are called complementary cell, है ना, इसी का नाम क्या देते हैं, complementary cell। फिर से बोल रहा हूं, phylogen था कैसा, तो बोल लीजिएगा meristematic cell था, और meristematic cell के द्वारा कुछ parenchymatous cell बनाए जा रहे हैं, और इसी parenchymatous cell का नाम क्या दे रहे हैं, complementary cell, क्या नाम दे रहे हैं, complementary cell। These cell are not sugarized, लिविंग या डेड, तो बोल लीजिएगा लिविंग, डेड नहीं। एज द कॉम्प्लीमेंट्री सेल इंक्रीज इन नंबर, कॉम्प्लीमेंट्री सेल का नंबर लगातार बढ़ता चला जाता है, और नंबर बढ़ने की वजह से प्रेशर बिल्ड होगा, बिल्डअप होगा किस पे, तो आउटर एपिडर्मिस पे, किस पे, एपिडर्मिस पे, प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द एपिडर्मिस ड्यू टू विच इट रप्चर। अब इसकी वजह से
क्या हो जाएगा, आउटर एपिडर्मिस क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा और लेंस शेप ओपनिंग का फॉर्मेशन करता है, और इसी लेंस शेप ओपनिंग का क्या नाम दे देंगे, लेंटिसेल। फिर से एक बार बोल रहा हूं कि फेलोजेन जो था कुछ पेरेंकाइमेटस सेल का ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, इस पेरेंकाइमेटस सेल के ग्रुप को हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेल। कॉम्प्लीमेंट्री सेल का नंबर लगातार बढ़ते चला जाता है, नंबर बढ़ने की वजह से प्रेशर बिल्डअप होता है, किस पे, एपिडर्मिस पे, एपिडर्मिस पे प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से लेंस शेप ओपनिंग होता है, इसी को आप क्या बोल लीजिएगा, लेंटी सेल बोल लीजिएगा। देन तो आज की क्लास के लिए बच्चे इतना ही रहने देता हूं। आज आपको मैं बताया एक्चुअली में सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है और कैसे कैसे होगा, कॉर कैम्बियम की वजह से ग्रोथ कैसे होगा और लेंटी सेल किसको कहते हैं, क्यों बनेगा, ये सारी बातों को डिस्कस करें। देन अगली क्लास में अगले टॉपिक को बताइए बच्चे। थैंक यू।